नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। लास्ट वीक, दैट इज एग्जैक्टली ऑन लास्ट संडे, आई हैड टू साइबर अटैक। और सबसे मज़े की बात यह है कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो दो अटैक थे। मैं एक अटैक को समझा था जो मेरे साथ शाम को हुआ, जिसमें कि मुझसे 80,000 रुपीज़ डिमांड किए गए टू रिलीजिंग माई सन एट दोहा एयरपोर्ट एज ही वॉज ट्रेवलिंग टू अमेरिका। ये आप वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऑफ हाउ आई वॉज थ्रेटन्ड, वो पूरा आप वीडियो देखिएगा। पर उस समय मैं दूसरे अटैक के बारे में जो इसके पहले हुआ था मैंने रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आई थॉट दैट वॉज नॉट एन अटैक, आई वॉज टेकिंग इट एज रियल। मैं इतनी बुरी तरह से बुद्धू बना कि मैंने सोचा ये आपको मैं इसको भी बता दूँ, जिससे कि आपके साथ कभी ऐसा हादसा हो तो यू शुड नो कि यू हैव टू बी केयरफुल। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये अटैक शुरू होता है फ्राइडे को, लास्ट वीक फ्राइडे। आई गेट अ कॉल फ्रॉम टेलीफोन डिपार्टमेंट अपेरेंटली, एंड दे से दैट योर नंबर विल बी ब्लॉक। आई डिडंट लिसन पूरा, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा पता नहीं ये प्रैंक कॉल है क्या है। दूसरे दिन फिर वो आया, तीसरे दिन जब वो आया तो मैंने उठा लिया, तो वो बोला कि आपका नंबर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा 2 घंटे में, अदरवाइज यू टॉक टू पुलिस डिपार्टमेंट। उनका एक डायरेक्टिव आया है कि आपके कॉल से दूसरे लोगों को हैरेस किया जा रहा है और इसलिए योर नंबर इज़ अंडर सर्विलेंस एंड ये बंद कर दिया जाएगा। तब मैं घबराया, मैंने नंबर दिया, FIR का नंबर, कौन से थाने का एड्रेस, एवरीथिंग। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ौरन कॉल लगाया। ना ये मेरी पहली गलती थी, क्योंकि मुझे पहले ट्रू कॉलर से चेक करना चाहिए था कि यह फ़ोन नंबर कहाँ से आ रहा है, जो उसने फ़ोन नंबर दिया है वो कहाँ का है। मैंने वो सब कुछ चेक नहीं किया। लास्ट संडे आफ्टरनून मैंने कॉल लगाया, आई सेड कि आई एम सो एंड सो, और मेरे पास टेलीफोन डिपार्टमेंट से कॉल आया है। तो बोले हाँ हमें मालूम है, वो हमारे यहीं से गया है। मैंने कहा ठीक है, बताइए क्या हो गया। तो ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल था और उसने करीब आधे घंटा मुझसे बात की और मुझे कन्विंस कर दिया कि वो CBI से बोल रहा है और मैं किसी तरह से, मेरा सिम जो है वो मिसयूज़ हुआ है, मेरे नाम से सिम इशू किया गया है और वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है विद नरेश गोयल ऑफ ऑल पीपल, जो चेयरमैन ऑफ जेट एयरवेज था, जो अभी जेल में है। तो आई एम इन्वॉल्व विद हिम एज़ फार एज CBI इज़ कंसर्न इन मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ 500 करोड़। तो ही वॉज इन द न्यूज़, तो ही सेड कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग हिम एंड ही वॉज लॉन्ड्रिंग 500 करोड़ ऑफ मनी, एंड वो जो मनी वो लॉन्डर कर रहे थे उसमें 30-40 टेलीफोन नंबर्स यूज़ हो रहे थे, उसमें एक नंबर आपका भी है। तो मैंने कहा इम्पॉसिबल, बिकॉज मेरे को इसके बारे में आपसे मालूम पड़ रहा है, आई डोंट नो। तो बोला कि किसी ने अपेरेंटली आपके आधार से एक और सिम निकलवाई है आपके टेलीफोन की और उससे जो है उसने बैंक अकाउंट खोला है बैंक ऑफ इंडिया में और वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो मैंने कहा ये कब हुआ, तो बोला 15 फरवरी। तो मैंने कहा हो ही नहीं सकता, आई वॉज नॉट हियर इन बॉम्बे ऑन 15 फरवरी, आई वॉज इन उड़ीसा। खैर, ही सेड कि नहीं नहीं वी अंडरस्टैंड कि ये कोई बदमाश है एंड यू आर बीइंग कॉन्ड एंड ऑल दैट। मतलब ये कन्वर्सेशन चलता रहा करीब 15-20 में आधा घंटा। उसके बाद ही शोड मी, ही सेड कि ओके वील सी टू इट कि योर नेम इज़ क्लियर फ्रॉम दिस, बिकॉज आप लगता नहीं है कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, पर वी हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग ऑन वीडियो, बिकॉज दैट इज़ अगर वरना हम आपको पुलिस स्टेशन बुलाते, बट सिंस यू आर सीनियर सिटीजन तो वील टेक योर स्टेटमेंट्स ऑन वीडियो। मैंने कहा ठीक है, वॉट एवर यू लाइक। तो उसने स्टेटमेंट्स लेने शुरू किए, ही शोड मी ऑल दोज CBI डॉक्यूमेंट्स, यू नो, अंडरटेकिंग्स एंड थिंग्स। तो मैं समझा यार ये क्या, और एंड देन ही वुड मेक मी रीड देम आउट। खैर ये सब चलता रहा, एंड देन ही सेड वाइल डूइंग ऑल दिस, फिर मेरे को एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल ऑफ ऑफिसर्स आई वॉज इंटरव्यूड काइंड ऑफ फॉर माई वेयर अबाउट्स। तो मैंने कहा भाई राइट नाउ आई लिव इन भोपाल, बट राइट नाउ आई एम इन बॉम्बे, मैं यहाँ पर अपने सन के साथ हूँ। मैंने अपना एड्रेस बता दिया क्योंकि दे वॉन्टेड टू नो द एड्रेस। मैंने कहा ठीक है, दिस इज़ द एड्रेस। फ़ोन नंबर उनके पास था ही अपेरेंटली। वो बोला आपके कितने बेटे हैं, मैंने कहा एक है, एक बॉम्बे में है, एक लंदन में है, बोथ आर इन बैंक। तो फिर मैंने सोचा कि बॉम्बे वाले को कहीं ना बुला ले इन्वेस्टिगेशन के लिए।
तो आई टोल्ड देम कि भाई बट माय यंगर सन हु इज इन बॉम्बे विद मी हैज जस्ट लेफ्ट फॉर अमेरिका दिस मॉर्निंग वाया दोहा ही इज गोइंग टू यूएस. तो ही सेड कि ठीक है वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द जहाँ से सिम इशू हुआ है उसके हम रिकॉर्डिंग्स देखेंगे वो सब देखेंगे कि वो आप तो नहीं थे जिसने वो लिया था. मैंने कहा ठीक है आई हैव नो प्रॉब्लम. और बोला कि वील गो टू द बैंक एंड हम बैंक से देखेंगे वो बैंक से वो अकाउंट कैसे बना जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है. मैंने कहा फेयर इनफ इफ़ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो. तो ये सब बात हो गई बड़े उससे. बोला कि आप डोंट पैनिक एंड जब तक ये मैटर क्लोज नहीं होता है यू हैव टू रिपोर्ट टू अस एवरी टू आवर्स दैट यू आर अवेलेबल इन बॉम्बे एट दिस एड्रेस एंड the national secret is safe. You know, this is national secret, all the conversation that was going on. So for next 2 days, I was sending every 2 hours a message that national secret is safe. Now that made me not tell this story to anyone for next 2 days. अच्छा इस बीच क्या हुआ बड़ा मज़ा आया. तो ये तो खैर बात ख़त्म हो गई. They said they'll get back after the investigation. मैंने कहा fair enough. So I thought कि it's a genuine case, they want to investigate and they need my help, I'll help. तो शाम को फिर आई गेट द सेकेंड फ्रॉड कॉल फ्रॉम अपरेंटली ही सेड ही इज़ फ्रॉम दोहा एंड ही हैज़ कॉट होल्ड ऑफ माई सन एंड ऑल द स्टोरी दैट यू विल सी इन माई अदर वीडियो. वहाँ पर जो है मैं कनेक्ट नहीं कर पाया इन दोनों को क्योंकि मैं यही सोचता रहा कि मैंने इसको हाउ कुड ही कनेक्ट माई टेलीफोन नंबर टू माई सन. आई मीन मेरा टेलीफोन नंबर लीक हो गया ठीक है पर उस नंबर से ये डाल नहीं मालूम पड़ता कि सन का कनेक्शन है मेरे से. पर खैर ये हुआ. तो उस समय इतना पैनिक में रहता है आदमी सोच नहीं पाता. इट इज़ साइको गेम टू बिकॉज आफ्टरनून में जो आदमी बात कर रहा था ही वॉज सो पोलाइट कि आई कुड नॉट कनेक्ट विद दैट होलिगन गून इन द इवनिंग. 2 दिन तक आई वॉज सेंडिंग हिम मैटर इज सेफ. पर मैंने इस बीच उसको नेक्स्ट मॉर्निंग आई मेड अ वीडियो दैट फर्स्ट वीडियो आई एम आस्किंग यू टू सी. मैंने इस फ्रॉड को वो वीडियो भेजा थिंकिंग की ही CBI. मैंने कहा कि यस्टरडे मेरे साथ ऐसा केस हो गया एंड आई मेड अ वीडियो ऑन दैट आई हैव ऑलरेडी पब्लिश इट ऑन YouTube. तो वो भी मैंने उसको भेज दिया. आई थिंक उससे वो थोड़ा घबराया कि आई कैन मेक थिंग्स पब्लिक. उसके बाद से वो बस वीडियो उस पर व्हाट्सएप पे आया. कन्वर्सेशन नहीं हुआ उससे पर मैं आई वॉज स्टिल नॉट श्योर. मुझे लगा ये फ्रॉड है नहीं है मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. फिर उसका एक मैसेज आया ऑन वेंसडे दैट योर नेम हैज़ बीन क्लियर एंड यू आर नाउ फ्री टू मूव कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब द मैटर इज क्लोज्ड दे हैव इन्वेस्टिगेटेड. आई सेड फाइन. उस पर उसके बाद इट स्ट्रक मी कि इसका फ़ोन नंबर से मैं ज़रा ट्रू कॉलर से देखूँ. तो ट्रू कॉलर में उसके नंबर पर लिखा हुआ था फ्रॉड फेडिक्स. तब मालूम पड़ा कि मतलब ये भी फ्रॉड था एक. पर ये सब होता क्या है कि उस समय पैनिक में यू डोंट कनेक्ट. पर मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है जो मैं TRAI को एंड PMO को लिखूँगा कि जब ये जो नंबर हैं जो फ्रॉड करके ऑलरेडी रिकॉर्डेड फ्रॉड्स हैं वो नंबर ब्लॉक क्यों नहीं किए जा रहे. व्हाट इज़ द मीनिंग अगर आपने उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली आ रहा है फ्रॉड तो वो बंद हो जाने चाहिए. पर उस समय योर माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ऐसे कॉल आपके पास आए तो यू शुड कट अ कॉल वंस कि भाई ये लाइन सम लाइन प्रॉब्लम एंड देन चेक द नंबर ऑन ट्रू कॉलर. तो ये आदमी को ज़रूर करना चाहिए जो मैंने नहीं किया बट आई वुड लाइक यू टू डू. उससे आधे केस सॉल्व हो सकते हैं अगर आप एक दफ़े नंबर कट करें और इस बीच चेक करें ट्रू कॉलर से कि ये नंबर किसका है एक्चुअली. तो दैट इज़ वन थिंग आई वुड लाइक everyone to remember and at least that was the lesson from this episode. खैर ये दो fraud cases हुए मेरे साथ. luckily I was not financially burdened or physically harmed. पर ये cases बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. they are taking use of AI, they are taking use of the data leakages taking all over the place. आपका आधार कार्ड is exposed, your all personal details are in public domain. तो anybody can fool you anytime. एंड सोचिए 70 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है और ये लोग बैठे बैठे फ़ोन आजकल लगाते रहते हैं और somebody or other get become the sucker. That's very sad. And police cannot do anything. पुलिस तो पोस्ट फैक्टो आती है. सिम जहाँ से इशू हो रहा है वहाँ गड़बड़ है. दैट शुड बी मेड मोर स्ट्रिक्ट
जैसे पहले होता था ना, एक लैंडलाइन लेने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, सिम लेने के लिए भी उतनी मशक्क़त करनी चाहिए, उनको उतने ही इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, जस्ट लाइक ए पासपोर्ट. आई थिंक योर टेलीफोन सिम इज़ योर पासपोर्ट. तो जो इन्वेस्टिगेशंस पासपोर्ट के लिए होते हैं, दोज इन्वेस्टिगेशन शुड बी फॉर सिम. आपका क्या ख्याल है? आप भी अपना बताएं व्यू. थैंक यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे.